देखिए, अभी नगर निगम की तो पूरी कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा पानी के लिए सफ़र ना करना पड़े, तो एक दिन छोड़ के सप्लाई दे रहे हैं। पर अगर गाद आ जाती है तो उसमें हम जो है 2 दिन छोड़ के भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास गाद से निपटने का कुछ भी साधन नहीं है। लेकिन अभी हमने अपना एक नया प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहे हैं 24/7 का, तो उसमें जो है हमने गाद के लिए स्पेशल नीचे सेंसर्स लगाए हैं, मशीनें लगाई हैं, ताकि गाद का उससे गाद नहीं आएगी और हम सबको पानी सुचारू रूप से 24/7 आवर्स दे सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमने 26 MLD पानी को स्टोरेज करने के लिए टैंक तैयार कर दिए हैं और उनमें हम अभी ये बारिश का जो पानी है वो स्टोर करेंगे। तो 10 MLD ढली में स्टोर हो जाएगा, 7 MLD पीटर हॉफ वाले टैंक में हो जाएगा और 9 MLD जो है वो सियोग वाले उसमें हो जाएगा। तो उससे हम चाहेंगे कि लोगों को बारिश में अगर गाद भी आती है तो पानी की कोई किल्लत ना हो, तो उसके लिए हम पानी फिर वहाँ से सप्लाई करेंगे। ये शकरोड़ी से शुरू हुआ है सतलुज के पास से, और वो डुम्मी होते हुए, द्वाडा होते हुए और ढली जो है संजौली आएगा, और वहाँ से हमने अभी तो कहा था कि ये दिसंबर तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, और इसकी लाइनें जो हैं वो बिछ चुकी हैं, सिर्फ 3-4 किलोमीटर तक रहती हैं, तो वो बिछ जाएगी। और पर लेकिन सारा प्रोसेस करते हुए हमें दिसंबर का टाइम दिया है उन्होंने कि दिसंबर में हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो मे भी शायद दिसंबर से 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, पर तब तक हम 24 आवर्स जो है वो पानी नहीं दे सकते। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमको सिल्ट से भी निपटना है, तो उसके लिए हमने जो सेंसर्स लगाए हैं अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेन प्रॉब्लम्स तभी आती है जब गाद भर जाती है और पंप चलते नहीं है, उस समय जो है हमें पानी का है वो 3रे दिन से 4थे भी करना पड़ता है, और कई जगह तो 5वें दिन भी मिलता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि अगर हमारा ये 26 MLD पानी भी चल पड़े तो हम जो है इससे स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हमने इसके लिए कर्मचारी भी रखे हैं, टेंडर किया था अभी, तो उनको 3 महीने के लिए हमने हायर किया है। वो सब जो है वार्डों में जाके नाले नालियाँ खोलने का काम करेंगे, और काफ़ी हद तक जो है वो हम लोग काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, तो ये नाले नालियों की सफाई कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी कई जगह जो है वो नाले नालियाँ खुले नहीं हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है आज भी मैं सुन रही हूँ कि पानी जो है ओवरफ्लो कर रहा है, वो इसी कारण कर रहा है क्योंकि उसमें डंपिंग बहुत है, और जितना जो मड है वो सारा नालों में जमा है, और जिसकी वजह से नाले चोक कर रहे हैं। तो हमारी है कि हमने जो एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं वो जाके सब जगह इस तरह की सिचुएशंस को संभालें। अभी सोचा जा सकता है इसके ऊपर भी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डंपिंग तो हो रही है, और जहाँ डंपिंग साइट्स हैं वहाँ पे लोग डंप कर नहीं रहे हैं, उनको नज़दीक नाले ही नज़र आते हैं, क्योंकि बारिश में है कि शायद वो बह जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे नाले बंद हो रहे हैं, और जो पानी बाहर आएगा तो उससे नुकसान है, सड़कें भी बैठेंगी, टूट जाएंगी, घरों पे पानी जा रहा है। तो उसके लिए हम कर रहे हैं ये सब कुछ खोलने के लिए। जो हमारी नज़रों में आएंगे तो उनको नोटिस भेजा जाएगा, उन पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर वो डंपिंग साइट्स पे नहीं डंप कर रहे हैं तो एक्शन तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा।